आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन लेके आया हूँ जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफी जस्टिफाइड स्मार्टफोन है। यह है पोको X4 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि अभी अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसका प्राइस कुछ 24 से 25,000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। 6GB और 8GB दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ये मिलेंगे और प्राइस उसी के हिसाब से वैरी करेगा। तो आज हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि एक काफी अच्छा और फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। ये पोको की तरफ से क्लेम किया जा रहा है और इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आज हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे कि क्या ये स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है, ये वैल्यू फॉर मनी देता है या नहीं देता है, और उसके बाद हम इसके एंटूटू स्कोर और पब्लिक रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे जो कि अभी रिव्यू ऑफिशियली गूगल पे आया हुआ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और खुद मैं भी पोको यूजर हूं तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस पोको के बारे में आपको बताऊंगा कि पोको का स्मार्टफोन किस तरीके का होता है, किस तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह होती है और परफॉर्मेंस हीटिंग इशू वगैरह तो नहीं है, सबके बारे में मैं बात करूंगा पोको के बारे में। और पोको का रिसेंटली नया लॉन्च स्मार्टफोन X4 Pro 5G है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज 27 मार्च है और 28 मार्च को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, ये फ्लिपकार्ट पे भी आएगा। और इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो ऑक्टा कोर 2.5 GHz से प्लस 1.75 GHz तक इसकी क्लॉक स्पीड CPU का जाएगा और इसमें 6GB और 8GB दोनों वेरियंट आएंगे। इसके अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर सेटअप कैमरा मिलेगा जिसमें कि प्राइमरी कैमरा 108 MP का और बाकी के दो कैमरा 28 और 2 MP के मिलेंगे। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये 16 MP को वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेंगे आपको और इसका रिफ्रेश रेट स्क्रीन का 120Hz है जो कि एक बहुत सही मीडियम कैटेगरी के लैपटॉप के बराबर है, मतलब ये काफी अच्छा स्मार्टफोन और डिसेंट स्मार्टफोन होने जा रहा है अपने इस प्राइस सेगमेंट में। अगर इसके बैटरी के बारे में हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। इसके हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करेंगे तो इसमें 2 नैनो SIM लगेंगे जिसमें कि SIM2 हाइब्रिड SIM को भी सपोर्ट करेगा और इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको इनबिल्ट 128GB या 256GB यानी 256GB का स्टोरेज देखने को मिलेंगे जिसको कि आप एक्सपेंड करके 1TB 1TB तक बढ़ा सकते हैं। अगर इसके एंटूटू स्कोर की बात करें तो अभी आप अपने स्क्रीन पर इसके एंटूटू स्कोर विद रिस्पेक्ट टू अदर फोन्स देख सकते हैं कि दूसरे फोन का एंटूटू स्कोर क्या है और इस फोन के एंटूटू स्कोर क्या है, तो काफी डिसेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें काफी अच्छा एंटूटू स्कोर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट होने के कारण आप हैवी से हैवी गेम प्ले भी इस फोन में कर सकते हैं। अगर मैं पब्लिक रिव्यू के बारे में बात करूं तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसको 4.5/5 रेटिंग मिला है जो कि आम पब्लिक के द्वारा दिया गया है जो कि इस स्मार्टफोन को इंडिया से बाहर यूज कर चुके हैं। अगर मैं बेसिकली पोको ब्रांड की बात करूं तो अभी जो मैं स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं वो भी पोको ब्रांड का ही है जो कि बिल्ड क्वालिटी में इतना सही है कि मेरे हाथ से 2-3 बार गिर चुका है वो भी फर्श पे, लेकिन इसमें स्क्रैच भी नहीं आई अभी तक। और ये 2 बार मेरे हाथ से, एक बार सब्जी में और एक बार ये इस पर दूध गिर गया था, लेकिन फिर भी ये इसमें इसके परफॉर्मेंस में जरा भी फ्लक्चुएशन नहीं आया, वो सेम का सेम परफॉर्मेंस अभी भी है। और इसके अगर हीटिंग की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कभी अभी तक हीट हुआ ही नहीं। मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ पोको स्मार्टफोन को लेकिन अभी तक ये स्मार्टफोन हीट नहीं हुआ और ना ही लैग किया कभी, तो आप समझ सकते हैं कि पोको का बिल्ड क्वालिटी कितना सही है। और मैं यही मोबाइल सेम पोको C3 भी एक मोबाइल परचेस किया था जो अभी बहुत सही चल रहा है, उसका भी लगभग कुछ 6 महीना होने वाला होगा लेकिन अभी भी अच्छा चल रहा है फोन। तो समझ सकते हैं पोको बहुत अच्छा स्मार्टफोन बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है और ये तो उसका फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। इसी तरह के और सजेशन और अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके और आप हमारे आने वाले वीडियोस के अर्ली नोटिफिकेशंस को पा सकते हैं। और इस पर आने वाले और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाली हैं तो उसको भी आप
देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके।